हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण और टेक टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं सैमसंग जो स्मार्टफोन फरवरी 2019 में लॉन्च करने वाला है, यानी सैमसंग गैलेक्सी S10, उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी अभी वेब पे आई है और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन लगभग कन्फर्म है जो इस फोन के साथ एसोसिएटेड है। पहली बात तो ये कि ये स्मार्टफोन जो है सैमसंग गैलेक्सी S10 फरवरी 2019 में लॉन्च होने वाला है। दूसरी बात ये है कि इसके तीन मॉडल्स लॉन्च होंगे, ये होंगे S10, S10 प्लस और एक बजट मॉडल इस स्मार्टफोन का लॉन्च होगा। तीनों मॉडल्स जो है इनमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर जो है वो लगा होगा। क्वालकॉम का ये नया प्रोसेसर यानी 855 7nm प्रोसेस पर बेस्ड होगा, यानी 7nm प्रोसेस पर बेस्ड होगा और ये क्वालकॉम का सबसे एडवांस प्रोसेसर होगा। इन तीनों मॉडल्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगा होगा। जो सस्ता वाला मॉडल है यानी बजट मॉडल जो है उसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर लगा होगा और साथ ही साथ जो प्रीमियम मॉडल है यानी S10 और S10 प्लस इनमें जो सेंसर लगा होगा वो होगा अल्ट्रासोनिक डिस्प्ले बेस्ड सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर जो है वो अभी जितने भी स्मार्टफोन्स अभी आ रहे हैं बाजार में उनमें लगा होता है। जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स है वीवो के, ओप्पो के, साथ ही साथ अभी जो वन प्लस 60 का आने वाला है, इन सभी में ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ है। तो सैमसंग इस बार कुछ हट के करना चाह रहा है और अपने जो प्रीमियम मॉडल S10 और S10 प्लस में अल्ट्रासोनिक डिस्प्ले बेस्ड सेंसर जो है वो लगा रहा है। अल्ट्रासोनिक डिस्प्ले बेस्ड सेंसर जो है वो ऑप्टिकल सेंसर से ज़्यादा सिक्योर है, साथ ही साथ इसमें जो एक्यूरेसी है वो भी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। ये तीनों मॉडल जो सैमसंग उतारने जा रहा है फरवरी में, इनमें सबसे जो बड़ा मॉडल है ये S10 प्लस होगा और इसमें जो है सैमसंग रियर में 3 कैमरा लगाएगा और फ्रंट में 2 कैमरा लगाएगा। ये पहली बार होगा कि सैमसंग जो है रियर में 3 कैमरा किसी भी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन में लगाने जा रहा है। सैमसंग जो ये सीरीज लॉन्च करेगा इसमें ये ग्रेडियंट कलर यूज करेगा, साथ ही साथ 9 डिफरेंट कलर वेरियंट में ये तीनों स्मार्टफोन जो होंगे उपलब्ध रहेंगे। चूँकि सैमसंग जो है 855 क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज़ करेगा तो ये तीनों स्मार्टफोन 5G रेडी रहेंगे, यानी ये तीनों स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन रहेंगे। ये भी एक कंफर्म न्यूज़ है कि जो S10 प्लस का स्क्रीन साइज है वो 5.8 इंच सैमसंग इस बार रखने वाला है और S10 प्लस का जो स्क्रीन साइज है वो 6.3 इंचेस सैमसंग जो है इस बार रखेगा। स्पीकर जो है इस बार सैमसंग अपने इस नए स्मार्टफोन से हटाने जा रहा है। स्पीकर के बदले जो स्मार्टफोन की OLED स्क्रीन होगी वह स्क्रीन ही एज ए स्पीकर यूज होगी। सैमसंग पहली बार साउंड इमिटिंग OLED डिस्प्ले पहली बार इन तीनों स्मार्टफोन में लगाने जा रहा है। इससे एक बात यह होगी कि इससे जो स्पेस है स्पीकर का वो यूज़ कर सकेगा सैमसंग किसी अलग पर्पस के लिए, साथ ही साथ जो साउंड क्वालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी इस बार। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको आज दे रहा हूँ वो लगभग कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन है और आप ये सभी फीचर्स जो हैं आने वाले सैमसंग के स्मार्टफोन में आप देख सकेंगे। तो फिलहाल दोस्तों बस इतना ही, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।